पाकिस्तान की सेना और उसके हुक्मरानों ने अपनी जनता के दिमाग में कश्मीर नाम का जहर घोल रखा है। यही वजह है कि वहाँ की आवाम दिन रात कश्मीर पर कब्जा करने के सपने देखती है। आलम यह है कि आज पाकिस्तान की यही आवाम आटे के लिए तरस रही, लेकिन फिर भी ये भारत से कश्मीर छीनने की कस्में खाती रहती है। अब पाकिस्तान का एक बड़ा तबका होश में आते हुए दिख रहा, हालांकि जो अभी होश में नहीं आ रहे हैं उनको पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी का बयान कान खोलकर सुन लेना चाहिए। कश्मीर कश्मीर करने वाली पाकिस्तान की जनता को ही सुनना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी भारत को लेकर क्या कुछ कह रहा। दरअसल पाकिस्तान के सबसे अमीर बिजनेसमैन मियां माशा ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ पर बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया। मियां माशा ने कहा, कोई भी देश केवल टॉवेल बेचकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी GDP को नहीं बढ़ा सकता। मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ाना होगा, जैसे भारत साल 1991 के बाद हर साल लगातार कर रहा। पाकिस्तान के विपरीत हिंदुस्तान केवल एक बार IMF से कर्ज मांगने गया और फिर उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। भारत में विदेशी कंपनियां कतार लगाए खड़ी हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने कड़े सुधार लागू किए और निवेश को जमकर मदद दी। इसके विपरीत पाकिस्तान में हम देखते हैं कि विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहां पर कोई भी कानून का शासन नहीं। कोई यहां पर क्यों निवेश करेगा जब उससे ज्यादा अच्छा और ज्यादा आकर्षक जगह पर निवेश करने का विकल्प मौजूद है। अब ये बयान उन्होंने तब दिया जब पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बजट को पेश किया। पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले मियां माशा की बात न मानकर गलत पॉलिसी अपनाकर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आटे रोटी के लिए पाकिस्तान की जनता को तरसा दिया। वैसे अब न तो अमेरिका और न ही दुनिया के किसी दूसरे देश को अब तौलिया बेडशीट और दूसरी चीजों को निर्यात कर पा रहा है पाकिस्तान। आलम यह है कि पाकिस्तान में अब कपड़ा इंडस्ट्री की छोटी छोटी कंपनियां भी बंद हो रही। वैसे भारत लाख बार पाकिस्तान को समझा चुका है कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो पाकिस्तान, लेकिन वो नहीं माना और आज परिणाम किस कदर भुगत रहा पाकिस्तान। यहां तक कि चीन भी पाकिस्तान के साथ अब धीरे धीरे साथ छोड़ रहा। खैर कुछ भी हो, मियां माशा का यह बयान सुनकर पाकिस्तान की जनता के होश जरूर उड़ गए होंगे और ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की अकड़ की वजह से पाकिस्तान मिट्टी में मिल रहा। अब आपका क्या कुछ कहना, पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेक देना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।